तो जय श्री राम। चलिए आज आपको दिखाते हैं अयोध्या का श्री राम जी का मंदिर और इस मंदिर के आसपास क्या क्या सुविधा आपको देखने को मिलती है और मंदिर के अंदर क्या क्या चीज अलाउड है, सारी जानकारी आपको देंगे। ये जो रोड है ये हनुमानगढ़ के लिए जा रहा है और ये जो रास्ता है ये जा रहा है आपका श्री राम मंदिर के लिए। और हाँ, मंदिर में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है और क्या क्या चीज़ें अंदर अलाउड है, जैसे मोबाइल अंदर ले जाने देंगे कि नहीं देंगे, या फिर पैंट की जो बेल्ट होती है, बेल्ट हम पहनते हैं वो अंदर ले जाने देंगे कि नहीं देंगे, अंदर प्रसाद चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, काफ़ी सारी जानकारी जो है आपको राम मंदिर की हम देंगे। अब क्या क्या यहाँ पर सुविधा देखने को मिलती है, तो एक बार जय श्री राम जरूर बोलिए और चलते हैं राम जी के मंदिर में। देखिए ये जो सामने पिलर है और एक ये पिलर है और ये पड़ा है सिर्फ 8 करोड़ का, भाई 8 करोड़ का एक पिलर है ये दोनों के दोनों। और सिक्योरिटी देखो कितनी हार्ड है, अयोध्या पुलिस तैनात है भाई चारों तरफ, हार्ड सिक्योरिटी है भाई यहाँ पर। देखिए अभी एक अगरबत्ती जल रही है मंगल दीप की तरफ से, इसकी जो खुशबू है ना वो वहाँ तक आ रही है और मैं सोच रहा था भाई किस चीज़ की खुशबू आ रही है, पर जरा से मैं पास में आया था देखा भाई इसकी जो सुगंध है ना वो काफ़ी दूर तक आ रही है और जगह जगह पर इन्होंने लगा रखे हैं मंगल दीप वालों ने अगरबत्ती। देखिए जैसे आप यहाँ से आ गया होगे देखिए प्यार देखिए भगवान राम का, बहुत बढ़िया। यहाँ से सिक्योरिटी चेक होगी और घूम के आप उस तरफ आगे दोबारा निकल जाओगे और वहाँ पर एक मंदिर बन रहा है पटना के हनुमान जी की तरफ से बन रहा है वो, फिलहाल यहाँ पर चेक कराते हैं एक बार। एक है भाई क्या क्या रखा, बड़ा गुटका पुड़िया सब रखा पड़ा है। देखिए चेकिंग के दौरान मैं आपको बता दूं गुटखा पुड़िया तम्बाकू कैनी यहाँ पर लेके आना अलाउड नहीं है, वैसे भी भगवान की जगह पर आप आ रहे हो तो इन सब चीज़ों को बाहर ही रखो, बेकार में आप चेकिंग के दौरान निकाले जाओगे तो यार शर्मिंदा होती है, इसलिए कोशिश करें कि बाहर ही फेंक करके आए भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया जूते चप्पल फ़ोन ऐप सामान, मतलब कि ये सब जो है जमा हो जाएगा और अंदर अलाउड भी नहीं है। बाकी ये देखिए ये सारे यहाँ पर जूते चप्पल रखने का स्टैंड बना रखा है, यहाँ पर आप जूते चप्पल और अपना बैग वगैरह भी यहाँ पर रख सकते हो, ये सारा बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप आओ और सीधे देखिए अपने जूते वगैरह चप्पल यहाँ पर बिल्कुल रख लीजिए भाई। बाकी ये मत सोचना चोरी चकारी हो जाएगी भाई, भगवान के घर पे क्या चोरी होगी यार, आप बस जूते चप्पल ही कोई चुराने आएगा, इसलिए भाई जूते चप्पल आप आराम से बेधड़क होकर रख दीजिए। अभी देखिए ये मजदूर काम कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, मंदिर का मेन गेट बनेगा बहुत ही बड़ा तरीके से, भाई क्या लग रहा है बेचारे भाई, इनकी कितनी बड़ी किस्मत है ये लोग राम मंदिर में काम कर रहे हैं, ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं। बेटा इधर जय श्री राम। तो भाई देखिए ये हमने रख दिए जूते चप्पल यहाँ पर, उसके बाद हमें टोकन दे दिया गया है, यहाँ पर सबसे बढ़िया व्यवस्था है, देखिए सारी व्यवस्था बढ़िया सी है, यहाँ पर सीधे टोकन दिखाओ और वापस अपने जूते ले लो, सब पे नंबर लिखे हुए हैं, जो नंबर लिखे हुए हैं वही टोकन यात्रियों को दिए हुए हैं, मतलब श्रद्धालुओं को। देखिए वहाँ पर आपको जूते चप्पल उतारने के बाद सीधे आपको आना है यहाँ पर, मोबाइल फ़ोन लीड पावर बैंक और स्मार्ट वॉच सब जमा हो जाएगी, कैसे टोकन मिलता है दिखाना, और ऐसा टोकन मिल जाएगा, देखिए मोबाइल भी जमा हो रहा है, इसका कोई चार्ज दिया है, कोई पैसे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पर सब कुछ जमा करा सकते हो, बैग भी जमा करा सकते हो, ठीक है भाई जय श्री राम। देखिए एक बैग के अंदर सभी के मोबाइल यहाँ पर रख के, यहाँ तक कि लीड वगैरह चार्जर वगैरह। देखिए मंदिर के दर्शन करके वहाँ से आते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो होती है यहाँ पर भगवान राम जी की पालकी भी निकलती है, जो कि यहाँ पर पूजा होती है पहले, उसके बाद यहाँ से घुमा करके धनुष के वहाँ से निकालते हैं हर रोज, देखिए हर दिन का ये प्रोग्राम है। बाकी एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए यहाँ पे निशुल्क दवाइयाँ वगैरह मिल रही है, जिसके हाथ पैरों में दर्द होता है उसके लिए यहाँ पर दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से मिल रही है, देखिए सब पंजीकरण कराओ और दवाई तुरंत लेके जाए, देखिए ये फ्री मिल रही है, फ्री ठीक है, फ्री में आराम से आप दवाइयाँ वगैरह यहाँ पर जो भी मिल सके ले सकते हैं। फिलहाल कैसा लगा आपको, हमने मंदिर के अंदर का नज़ारा भी दिखाया परमिशन लेने के बाद और यहाँ से अपने जूते चप्पल वगैरह और मोबाइल वगैरह वापस ले लिया, इसलिए आपकी मेरी मुलाकात दोबारा यहीं पर हुई है।
तो भाई एक बार अगर आपने मंदिर का नजर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जय श्री राम जरूर बोलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जय श्री राम एक बार जरूर बोलना। बाकी मंदिर के अंदर की बात ही कुछ और थी, इतने सारे लोग थे, मजा आ गया भाई देखकर। बाकी देखिए लोग मोबाइल वगैरह ले रहे हैं और अभी मंदिर बन रहा है, अभी जो है देखिए बन रहा है, देखिए सारी तैयारी चल रही है, अभी मंदिर बन रहा है, खुदाई उदाई हो रही है, सारे काम हो रहे हैं इसलिए। तो भाई तो मिलते हैं अगली जर्नी पर, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और एक बार जय श्री राम जरूर बोलना। अगर हिंदू धर्म से हो तो जय श्री राम आप सभी को, अयोध्या राम मंदिर की तरफ से भी जय श्री राम। अच्छा गुजरात में कहाँ से आए हो? सूरत से आए हो आप, सिर्फ राम मंदिर के लिए आए थे आप? जी बहुत बड़ी बात है। फिरते फिरते आए हैं। अच्छा जी, अच्छा घूमते घूमते आए हो और राम मंदिर भी दर्शन करे आपने? कैसा, सच बताना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हमारे ना, अंदर से फील होता है, इतना अच्छा दर्शन हुआ है। हाँ चलिए जय श्री राम बोलिए एक बार।